हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। हम बात कर रहे हैं हमारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का और इसके अंतर्गत जो अलग अलग लाइंस हैं, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, इनमें से हमने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का एक और इंपॉर्टेंट क्लास जिसका नाम है पैराज़ीनामाइड। और इस वीडियो में हम बात करेंगे, एकदम बहुत शॉर्ट का वीडियो होगा, इसमें इंट्रोडक्शन और मैकेनिज्म एक्शन को देखेंगे। इसी वीडियो के लास्ट में हम आपके लिए एक एनिमेशन भी लाएंगे जिसमें ऑडियो कमेंट्री भी आप दोबारा अच्छे से स्लो तरीके से सुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पैराज़ीनामाइड की खास बातों को। यूं तो हमने इसके पहले आइसोनियाज़ाइड, रिफाम्पिसिन या रिफाम्पिन के बारे में देखा। ये आज का ड्रग इस बात में अलग है कि ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। एसिडिक मीडियम में स्पेसिफिक अगर रेंज की मैं बात करूं तो 5.5 पीएच पे ये काम करता है एज पर द रेफरेंस ऑफ पद्मदा उदय कुमार। क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में काम करते हैं इसलिए ये उन तरह के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया के लिए भी इफेक्टिव होंगे जो कि हमारे सिजेसिस मटेरियल पे, यानी कि जो चीज जैसा एक सेमी सॉलिड बन गया है वहां पे, फैगोसोम ऑफ मैक्रोफेज वहां पे भी काम कर सकते हैं और जो मैक्रोफेज के अंदर पड़े हुए हैं, लेटेंट कंडीशन में है, इस तरह के बैक्टीरिया के लिए भी ये इफेक्टिव होते हैं। इनका एक इंपैक्ट, स्पेसिफिक इंपैक्ट और है। ये यूं तो इनएक्टिव है शुरू में, लेकिन आगे जाकर के जैसे ही ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर पहुंचेंगे, इस बैक्टीरिया के सेल के अंदर कुछ एंजाइम पाए जाएंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन एंजाइम की मदद से ये एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये अपना जो एक्शन है वो धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड सेक्शन में कुछ इनके इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म को 3-4 बुक से टैली करने के बाद जो कॉमन सब में दिया हुआ पॉइंट है वो हमने लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो आपका आज का ड्रग है पैराज़ीनामाइड, इसके मैकेनिज्म एक्शन को अभी तक एग्जैक्टली क्लियरली नहीं डिसाइड किया गया है कि इसका मैकेनिज्म एक्शन एग्जैक्ट में है क्या। बस ये मान के चल रहा गया है कि ये भी आइसोनियाज़ाइड की तरह, हालांकि दूसरे टाइप ऑफ फैटी एसिड पे, लेकिन माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को ये अफेक्ट करता है, ये एक हम उसको मान करके चलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टेप हैं जिनको हमारा आज का ड्रग फॉलो करेगा पैराज़ीनामाइड और एंटी माइक्रोबियल ड्रग का इफेक्ट शो करेगा, खास करके आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के रूप में। पहला, अगर मैं बात करूं पैराज़ीनामाइड, इट इज एनालॉग ऑफ निकोटिनामाइड विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1952। पहला ही लाइन आपके एमसीक्यूज का दो क्वेश्चन बना रहा है अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं तो। ये एनालॉग है, किसका एनालॉग है? निकोटिनामाइड का। और इसके बारे में इंट्रोडक्शन, इनके बारे में जानकारी कब आनी शुरू हुई? 1952 में। अगर मैं बात करूं इनके एक्शन की तो ये बैक्टीरियोसाइडल का एक्शन देते हैं, यानी कि ये ट्यूबरक्यूलोसाइडल ड्रग के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस को पूरी तरह से खत्म करने वाले ड्रग को हम ट्यूबरक्यूलोसाइडल ड्रग कहते हैं और ये उस कैटेगरी का एक ड्रग है। अगर इसके मैकेनिज्म को समझें तो सबसे पहला देखिए, ट्यूबरक्यूलोसाइडल है, जैसा मैंने डिस्कस किया कि ये आपके बैक्टीरिया को खत्म करेगा विच रिक्वायर्ड एसिडिक पीएच। वो एसिडिक पीएच क्या होगा? ये होगा 5.54 एसिडिक एक्टिविटी, यानी कि चूंकि ये एसिडिक मीडियम में काम करते हैं इसीलिए यहां जहां ये काम करेंगे वहां पे उसका जो मीडियम है, जो एटमॉस्फेयर है, वो एसिडिक होना चाहिए। इसके इसी नेचर को हम यूज करते हैं इनके मैकेनिज्म को और अच्छे से एडवांटेज बना करके यूज करने के लिए। जो बैक्टीरिया यहां पे आपके सीजियस मटेरियल पे, सीजियस मटेरियल के साथ साथ आपके फैगोसोम ऑफ माइक्रोफेज पे छिपे हुए पड़े होते हैं उनको भी खत्म करते हैं। इसीलिए इस प्रॉपर्टी की वजह से दीज आर यूजफुल बिकॉज ट्यूबरकली बैसिलस विच आर प्रेजेंट इन द फैगोसोम ऑफ माइक्रोफेज वेयर द पीएच इज एसिडिक। यहां पे ये वाली जो पॉइंट है आपको समझा रहा है, जहां पे जिस जगह पे रेसिडेंशियल होता है आपके लेटेंट टाइप के ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया का, वहां का पीएच भी एसिडिक होता है। चूंकि वहां का पीएच एसिडिक है और हमारा ड्रग भी एसिडिक पीएच पे 5.5 पे ज्यादा अच्छे से काम करता है, इसलिए इनको तो मौका मिल गया, एक अच्छी जगह मिल गई कि वो छुपे हुए बैक्टीरिया को खत्म कर सके। तो इनको हम यूज करते हैं एक बेनिफिशियल इफेक्ट के रूप में एज अ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। आगे की बात करें तो पैराज़ीनामाइड कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट, यानी कि अगर पैराज़ीनामाइड को हम लेते हैं किसी भी रूट से लें, ये पैराज़ीनामाइड जैसे ही बैक्टीरिया के सेल में इंट्रोड्यूस होगा वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक्टिव फॉर्म, एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा फॉर्म है? ये है पैराज़ीनोइक एसिड। आपको यह भी याद रखना चाहिए
किस फॉर्म में एक्टिव हो सकता है ये और एक्टिव होने के बाद काम करेगा, दैट इज पैराजिनोइक एसिड। और ये किस में कन्वर्ट होता है, एक ऐसे एंजाइम की मदद से कन्वर्ट होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में पाया जाएगा। तो कौन सा एंजाइम है, ये एंजाइम है पैराजिनामिडेज। लास्ट में एज देख के ही आप समझ सकते हैं कि ये कोई एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाएगा। जरूरी नहीं कि एज हो तो बैक्टीरिया में पाया जाए, लेकिन ये स्पेसिफिक ऐसा एंजाइम है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाएगा। सो इस पैराजिनामिडेज के कारण से ही हमारा जो पैराजिनामाइड है वो पैराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है और एज अ बैक्टीरियोसाइडल ये काम करके बैक्टीरिया को खत्म करेगा। ये एक सिंपल सा एक्सप्रेशन हो गया। इसके बाद कुछ इनके और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम देखेंगे, फिर आखिरी में इस व्हाइट बोर्ड सेक्शन के किनारे में रखे हुए डायग्राम को मैकेनिज्म के रूप में समझेंगे। अगला पॉइंट कहता है यहां पे चौथा यहां पे इंक्लूड हो रहा है, हाईली इफेक्टिव फॉर फर्स्ट 2 मंथ ऑफ थेरेपी। ये भी इसको अलग करता है, जहां पे इंफ्लामेशन फेज चालू रहता है, कैरी ऑन होता है, वो बेसिकली होता है इनिशियल के 2 मंथ। तो ये इस कंडीशंस में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा 2 महीने के लिए, क्योंकि वहां पे इंफ्लामेशन चलता रहेगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, बाय किलिंग रेसिड्यूअल बैसिली इट इज अ गुड स्टेरिलाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये आपकी कॉम्पिटेंस एग्जाम में एक फार्मासिस्ट का एग्जाम था जिसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें ये पूछा गया है कि इनका जो एक यूज है वो एक वेरी अच्छा इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव एज अ स्टेरिलाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो ऐसे बैक्टीरिया है जो कि चिपे हुए होते हैं, रेसिड्यूअल बैक्टीरिया हैं जहां पे मैंने बात किया, उनको भी जाकर खत्म करेगा, इसीलिए इनको एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है, स्टेरिलाइजिंग एजेंट। फिर अगला जो पॉइंट है वह है, हाइपर टॉक्सिसिटी इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन विच इज एसोसिएटेड विद पैराजिनामाइड विच इज डोज डिपेंडेंट। दो चीजें याद रखिए, यहां पे एक जो हैज मार्क लगा है वो इस बात को दिखा रहा है कि इट इज डोज डिपेंडेंट, यानी कि अगर डोज थोड़ा ज्यादा बढ़ता जाता है तो इसकी एडवर्स इफेक्ट के रूप में हमको हेपेटोटॉक्सिसिटी मस्ट रूप से देखने के लिए मिलेगी, या यूं कहूं ज्यादा अच्छा रहेगा कि इसके थेरेप्यूटिक डोज से ऊपर जैसे ही जाते जाएंगे आप, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक जो एडवर्स इफेक्ट है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी के रूप में देखने को मिलेगी। और गलती से अगर वो पर्टिकुलर पर्सन कुछ और ड्रग को यूज कर रहा है प्रीवियसली नॉट इंक्लूडेड इन एंटीट्यूबोक्लोइड ड्रग, कोई और अदर ड्रग वो यूज कर रहा है किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, और उस ड्रग का भी साइड इफेक्ट अगर हेपेटोटॉक्सिसिटी है, तो ये हेपेटोटॉक्सिसिटी वो हेपेटोटॉक्सिसिटी और ज्यादा प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। और ऊपर से अगर वो पर्टिकुलर पर्सन क्रॉनिक अल्कोहलिज्म को शिकार है, क्रॉनिक अल्कोहल को यूज करता है, तो इससे प्रॉब्लम और भी ज्यादा वर्सटाइल हो जाएगी, बिकार प्रॉब्लम की बात बढ़ जाएगी। आगे बात करते हैं, कंसीडर्ड एज अ सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो लाइन है इसे केडी त्रिपाठी की लेटेस्ट एडिशन से लिया गया है, उसमें उन्होंने ये कहा है, एक टेबल भी पूरा डिटेल से दिया हुआ है, ड्रग यूज इन प्रेगनेंसी के केस में सेफ ड्रग जो कंसीडर किए गए हैं उनमें से हमारा पैराजिनामाइड को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। फिर हम बात करते हैं इनके एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, तो कौन कौन से इनसे जुड़ी हुई ऐसे इफेक्ट हो सकते हैं जो हमको नहीं चाहिए पर मिलेंगे अगर डोज का वेरिएबल सिक्वेंसेस में बढ़ता जाता है। तो ये है एब्डोमिनल पेन, ऑब्वियसली एब्डोमिनल कैविटी के आसपास जो एक डिस्कम्फर्ट जनरेट होगा, पेन जनरेट होगा, वो इसका एक इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट होगा, लेकिन उतना नहीं है। उसके साथ आप देखिए अर्थराल्जिया होगा, अर्थराल्जिया मतलब होता है अर्थरा प्लस अल्जिया, अल्जेसिक या अल्जेसिक का मतलब होता है पेन। सो आपके जॉइंट पे जहां पे दो बोन आपस में जॉइंट हो रहे होंगे इस जंक्शन पे पेन होना अर्थराल्जिया कहलाता है। साथ साथ वो रैशेस कॉज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, साथ में फीवर कॉज कर सकते हैं, लॉस ऑफ डायबिटिक कंट्रोल कॉज कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी जानने लायक हुई कि लॉस ऑफ डायबिटिक कंट्रोल मतलब होता है कि जो कोई पर्टिकुलर पर्सन जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, डायबिटीज मेलाइटस की प्रॉब्लम है, चाहे वो टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 क्यों ना हो, वो अपने ड्रग के थेरेपी के अकॉर्डिंगली डायबिटीज को कंट्रोल किए हुए हैं, वो अगर इस तरह के पैराजिनामाइड ड्रग को यूज करते हैं तो उनका अपने डायबिटीज के बढ़ते हुए लेवल को कंट्रोल करके एबिलिटी को ये अफेक्ट कर सकता है और इससे प्रॉब्लम थोड़ी सी बिगड़ सकती है। इसलिए ऐसे पर्टिकुलर पर्सन जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो अगर इस तरह के एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पैराजिनामाइड ले रहे हैं तो थोड़ी सी उनको केयर और सुपरविजन की आवश्यकता होगी। तो ये हो गई कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी एडीआर, मैकेनिज्म को भी हमने देखा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बारी आती है डायग्राम की, फिर इस डायग्राम के बाद बात करेंगे एनिमेशन में। डायग्राम में देखिए बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं दिस इज माइकोबैक्टीरिया सेल वॉल, या यूं कहें कि इस माइक्रोबैक्टीरिया का सेल वॉल रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम बनाया गया है। यह है हमारा ड्रग पैराजिनामाइड, यहां पे पैराजिनामाइड आप देते हैं तो वो अंदर पहुंचता है,
ये पैराजिनामाइड एक स्पेसिफिक एंजाइम जिसको हम बोल सकते हैं पैराजिनामिडेज, ये एज को अंडरलाइन किया हुआ है दोबारा से, ये एक एंजाइम है जो कि इसी बैक्टीरिया का पार्ट है। इस बैक्टीरिया के एंजाइम की मदद से पैराजिनामाइड कन्वर्ट होता है हमारे एक्टिव मेटाबोलाइट में जिसको हम बोलते हैं पैराजिनोइक एसिड। ये आप याद रखिएगा कौन सा फॉर्म एक्टिव होता है, ये पैराजिनोइक एसिड फिर आगे जाके एक्यूमुलेट होगा इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्यों, क्योंकि यहां पे जो काम करने का इनका एक सुटेबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो एसिडिक मीडियम में ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5.5 अस पर पद्मजा उदय कुमार। So, यहां पे एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये एक्यूमुलेट होगा वो इंटरफेयर करना शुरू करेगा, इंटरैक्ट करना शुरू करेगा आपके डिफरेंट तरह के फैटी एसिड के साथ। ये फैटी एसिड आपके जो आइसोनियाजाइड के द्वारा अफेक्ट किए जा रहे थे वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका मैकेनिज्म आइसोनियाजाइड के आसपास ही मैच करता हुआ नजर आता है। तो अदर टाइप ऑफ फैटी एसिड के साथ इंटरैक्ट करेंगे और अल्टीमेटली ये जो माइकोलिक एसिड है, जिनके इस माइकोलिक एसिड के कारण से इनका जो सेल वॉल बना हुआ होता है, इनके बनने के प्रोसेस को अफेक्ट करेंगे, सेल वॉल के सिंथेसिस को अफेक्ट करेंगे। साथ ही साथ ये एकदम ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट तरीके से आपके इसी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के सेल मेम्ब्रेन को भी डिसरप्ट करने का काम करेंगे। तो दोनों की तरह से, एक सेल वॉल के सिंथेसिस के इनहिबिट होने की वजह से, दूसरा आपके सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करने की वजह से, ये जो हमारे आज के ड्रग हैं ये इस तरीके से बैक्टीरियोसाइडल का काम करेंगे और इनके जो रप्चर होगा सेल वॉल और बनने के प्रोसेस को, तो यहां पे ये डिस्टर्ब कर देंगे और इस तरीके से ये जो ड्रग है वो अपना इफेक्ट शो करेगा और ये बैक्टीरियोसाइडल का रूप ले लेंगे। तो ये था सिंपल सा तरीका, एकदम सिंपल छोटे से वीडियो में हमने समझा पैराजिनामाइड के बेसिक इंट्रोडक्शन, फार्माकोलॉजी और उनके काम करने के तरीके को। इसके बाद तुरंत मैं एक एनिमेशन वीडियो लेकर के आ रहा हूं, उसमें भी मैं आपको अपने ही वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा, तो वो वीडियो पूरा देखें, उसमें भी वही चीजों को कुछ इंक्लूड किया गया होगा, वो आपके काम आएगा। अगर मैं बात करता हूं आज के टॉपिक का रेफरेंस की, तो तीन बुक को मिलाकर के लिया है, एज ऑलवेज मैंने यूज किया है केडी त्रिपाठी लेटेस्ट एडिशन, पद्मजा उदय कुमार और पी जगदीश प्रसाद। सो अगर आप आज के व्हाइट बोर्ड सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उस एनिमेशन वीडियो के बाद में मैं आपको एनिमेशन के साथ साथ इसका भी एक इमेज के फॉर्म में स्क्रीनशॉट के लिए अवेलेबल करा दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इस वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा जो एफर्ट है वो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो अगर कोई भी सजेशन है, फीडबैक है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें। थैंक यू, नमस्कार। इस वाले पावर पॉइंट के एनिमेशन सेक्शन में हम बात करेंगे आपके एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यानी कि पैराजिनामाइड के काम करने के तरीके। पैराजिनामाइड बेसिकली ट्यूबरक्लोसिडल एक्टिविटी लिया हुआ होता है, यानी कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को, जो कि टीबी कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं, इनको पूरी तरह से खत्म या डिस्ट्रॉय करते हैं, तभी इनको हम बैक्टीरियोसिडल या ट्यूबरक्लोसिडल कहते हैं। अगले सेक्शन में हम इनके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखेंगे एनिमेशन के थ्रू, लेकिन उससे पहले हम पैराजिनामाइड से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों को भी देख लेते हैं, जो कि आपके कॉन्सेप्ट और डिफरेंट तरह के कॉम्प्रेशन एग्जाम में आपकी मदद करेगा। पैराजिनामाइड एक एनालॉग है निकोटिनामाइड का और ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1952 में। जैसे पैराजिनामाइड अपने आप में एक अलग तरह का ड्रग इसलिए है क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में खास करके 5.5 के पीएच पे ज़्यादा अच्छे से काम करता है। चूंकि हमारे कई तरह के माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस रेसिड्यूस करते हैं आपके फैगोसोम ऑफ मैक्रोफेज का, जहाँ का पीएच एसिडिक होता है, तो चूंकि ये ड्रग भी खुद अपने आप को एसिडिक मीडियम में अच्छे से एक्टिवेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए जो कि आपके इसी फैगोसोम ऑफ माइक्रोफेज या अलग तरह के जो सीजीएसएस मटेरियल होते हैं यहाँ पे ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो उनको ये अफेक्ट करता है। अगर मैं बात करता हूँ पैराजिनामाइड की, तो ये एक्टिव स्टार्टिंग से नहीं होगा, ये जैसे ही बैक्टीरिया के सेल वॉल में मूव करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे इनके एक्टिव मेटाबोलाइट में। इनका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है उसको हम कहते हैं पैराजिनोइक एसिड, और ये जो एक्टिविटी है, ये जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है, यानी कि आपके पैराजिनामाइड का पैराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट होने का, इसके पीछे जो एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है इसे हम कहते हैं पैराजिनामिडेज। ये जो पैराजिनामिडेज एंजाइम है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के सेल में पाया जाता है और यही इनको कन्वर्ट करने का काम करेगा। चूंकि मैंने कहा इनके काम करने के लिए एसिडिक एक्टिविटी बहुत जरूरी है, इसलिए ये उस तरह के बैक्टीरिया को भी खत्म करेंगे जो कि एसिडिक कंटेंट में ग्रो हो रहे होते हैं, जो चिपे हुए होते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लें आपके इस पैराजिनामाइड के काम करने के तरीके को 1:1 के फॉर्म में। हम कंसीडर करते हैं एक ट्यूबरकुलर सेल, ये जो आप देख रहे हैं ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का सेल वॉल है, इसी के अंदर हमारे जो पैराजिनामाइड है इनको काम करना है और अल्टीमेटली बैक्टीरियोसाइडल की एक्टिविटी देख करनी है। तो ये रहा हमारा पैराजिनामाइड,
ये पैरासिनामाइड बहुत ही इजी तरीके से पेनिट्रेट होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल के अंदर। जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एंटर होगा, तो ये एंटर होने के बाद ये रहा हमारा पैरासिनामाइड। अब चूंकि पैरासिनामाइड अभी एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इनको एक्टिव करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं डिफरेंट तरह के एंजाइम जो कि ऑलरेडी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ये जो पैरासिनामाइड है, ये पैरासिनामिडेज एंजाइम जो कि ऑलरेडी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, इसकी मदद से एक्टिव फॉर्म यानी कि पैराजिनोइक एसिड में कन्वर्ट होता है। ये एक्टिव फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही एक्टिव फॉर्म एसिडिक पीएच में 5.5 के पीएच में बैक्टीरिया को खत्म करने में हमारी मदद करेगा। तो ये जो पैराजिनामाइड का एक्टिव फॉर्म है पैराजिनोइक एसिड, अब आगे जाकर के एक्यूमुलेट होगा एसिडिक मीडियम में, जिसका पीएच हमने बताया आपको 5.5 है, ये आपको याद रखना चाहिए। आफ्टर एक्यूमुलेशन इन एसिडिक मीडिया, ये डिफरेंट तरह के फैटी एसिड के साथ इंटरैक्ट करेगा। ये वो फैटी एसिड नहीं होंगे जो कि आपके आइसोनियाजाइड जहां पे काम करते थे, ये अलग तरह के डिफरेंट फैटी एसिड हैं। तो आफ्टर इंटरैक्शन विद फैटी एसिड, ये एक्यूमुलेट होने के बाद इंटरैक्ट करना शुरू करेंगे, और उसके साथ क्या क्या होगा, उनके साथ ये इनहिबिट करेंगे माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को। चूंकि अब ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, माइकोलिक एसिड एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल वॉल के सिंथेसिस में। ये जो माइकोलिक एसिड है वो अदर तरह के बैक्टीरिया में पाया नहीं जाता है, इसीलिए ये केवल स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के। और हमारे जो पैराजिनामाइड है, और पिछले सेक्शन में हमने आइसोनियाजाइड के बारे में भी बात किया था, वो स्पेसिफिकली इसी तरह के बैक्टीरिया जो कि माइकोलिक एसिड को यूज करके सेल वॉल बनाते हैं, उनको किल करने, खत्म करने में, सेलुलर एक्टिविटी देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। तो जब ये आपके माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, तो अगला जो स्टेप होगा हमारा वो होगा कि ये सेल वॉल को वीक कर देंगे। सेल वॉल के वीक होने के कारण से आपकी जो इंटेग्रिटी है, आपकी जो रिजिडिटी ऑफ सेल है पर्टिकुलरली माइकोबैक्टीरियम का, वो उतना सही पहले के जैसा नहीं रहेगा। और इसके साथ आप देखेंगे कि ये जो सेल वॉल है वो इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है वीक होने के कारण से। ये हो गया हमारे पैराजिनामाइड के काम करने के तरीके। इनके अलावा एक तरीका और भी है जो कि इनको इनकी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सेल मेम्ब्रेन को भी वीक करने का काम करता है। और फाइनली इन दोनों तरीकों को यूज करेंगे तो आप नीचे में देख सकते हैं ब्लिंक करता हुआ ये ट्यूबरक्यूलोसिडल एक्टिविटी देंगे और बैक्टीरिया यहीं से हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इनके जो एक और स्पेसिफिक काम करने के तरीके हैं, यहाँ पर मैं दोबारा इसको हाईलाइट करना चाहूँगा, ये है ऑल्सो डिस्टर्ब द सेल मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से जो हमारे पैराजिनामाइड के ड्रग थे, इन्होंने अपना काम किया एसिडिक मीडियम खास करके 5.5 पे ये अच्छे से काम करते हैं, और फाइनली सेल वॉल को वीक करके और सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करके अपना एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का इफेक्ट देंगे। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस पावर पॉइंट एनिमेशन वीडियो। नमस्कार।